हेलो गाइस, मैचिंग का सवाल है। लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करके हमें आंसर निकालना है। और ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। ये क्वेश्चन कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है। अब लिस्ट वन में लिखा है, द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। कॉकरोच में फूड का स्टोरेज कौन सा स्ट्रक्चर करता है? तो क्रॉप में कॉकरोच का फूड स्टोर होता है, तो ए का मैचिंग हो जाएगा फोर्थ के साथ। ए का फोर्थ देखिए दो प्लेसेस पर है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब सिर्फ हमें दूसरे और चौथे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। अगला है, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट की जंक्शन पे 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूबुल्स की जंक्शन जो होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका। क्या बोलते हैं? हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका। तो बी का मैचिंग हो जाएगा सेकंड के साथ। बी का सेकंड हो गया और यहाँ पर बी का थर्ड दिया, इस वजह से ये भी गलत हो गया हमारा। अब आंसर हमारा फोर्थ तो आ चुका है, यहाँ से दो मैचिंग से ही आंसर आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, रिंग ऑफ 100 to 150 येल्लो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। अच्छा, मिडगट और हैंडगट की जंक्शन पर 100 से 150 क्या होते हैं येलो कलर के? ये होते हैं माल्थीजियन ट्यूबुल्स। क्या होते हैं? माल्थीजियन ट्यूबुल्स। डी का मैचिंग हो जाएगा थर्ड के साथ। डी का थर्ड हो गया। फिर रहता है स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड। अच्छा, फूड को ग्राइंड करने के लिए या क्रशिंग करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर यूज होता है? तो हम ग्रिजार्ड का यूज करते हैं। कॉकरोच में ग्रिजार्ड जो होता है वो फूड को क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के लिए हेल्प करता है। इसमें टीथ पाए जाते हैं, काइटनस टीथ। तो डी का मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट के साथ, और डी का फर्स्ट। इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। थैंक यू।